कोई एक महत्वपूर्ण ऐसी जगह आए ताकि कोई विदेशी इन्वेस्टर आए। मैं साफ कहना चाहूंगा, इसका मैं बाद में कहूंगा, इतना बताना पड़ेगा इतना से, आज की स्थिति में कई कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो निकल रहे हैं चाइना से। क्यों हिन्दुस्तान में हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारे तरफ वो कंपनी ग्रुप नहीं कर रही है? अगर मेक इन इंडिया सही होता, इज अ डूइंग सही होता, उतना हम फ्लेक्सीबल होते, क्यों नहीं करने दिए? ये कंपनी है जिससे हमने कुछ बात की, फाइजर कंपनी थी का जो कोरोना के टाइम पे इतना भी कोशिश कर दो तो होगा क्या, यहां नहीं आने दिया। क्यों, क्या वजह है, इसके कारण क्या है? जबकि जनता चाह रहा था उनको अच्छे से अच्छे टीका मिले, खरीदना भी चाह रहे थे, फिर भी रोका गया जबरदस्ती। हमने भी प्रयास किया, नीति आयोग ने बात किया, पीएमओ में भी बात किया, कई मेरे साथ कई चीफ मिनिस्टर ने भी बात किया, लेकिन नहीं आने। क्या बात है, अनेक कंपनी आना चाहते हैं लेकिन आने नहीं देते, उल्टा भी लोगों को घुमरा करने के लिए मेक इन इंडिया कहते हैं। मेरे इज द एनवायरमेंट इन इंडिया, मेक इन इंडिया के जो स्लोगन है उसके साथ उसके बराबर का एनवायरमेंट है क्या? हकीकत में ईज ऑफ डूइंग है क्या? उतनी सुविधाएं दिए गए हैं क्या? है तो क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहे।